भी कुंडली विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट साक्षी संजीव ठाकुर चैनल को। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों की बड़ी बड़ी समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगी 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन, और ये क्यों खास है होता है मकर संक्रांति का दिन, क्योंकि यहाँ पर जो है कई किसान जो है हमारे यूपी के और जो है पंजाब वगैरह के किसान जो होते हैं वो नई फसल जो है वो अपनी जो है वो बोते हैं। और दूसरा, यहाँ पर ये इसलिए खास होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे खास बात होती है कि सूर्य देव जो है वो मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसे कहते हैं मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति, और देखिए सूर्य देव जब हर साल जो है प्रवेश करते हैं अपने बेटे के घर में, और इस साल में उनका बेटा उनके घर पर आपको मिलेगा, यानी कि शनिदेव जो है वो भी जो है मकर राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि पिता जो है अपने पुत्र के घर में आया है और पुत्र जो है वो वही बैठा आपको विराजमान मिल जाए। क्योंकि देखिए शनि और सूर्य की देखिए कभी मिलती नहीं है, बनती नहीं है, और शनिदेव जो है वो अंधकार के कारक है, सूर्यदेव जो है उजाले के कारक है। सूर्य जब डूबता है वेस्ट में तभी शनि जो है एक्टिव होता है, और ऐसे लोग जो शनि प्रधान लोग होते हैं जो वृषभ लगन के, मिथुन लगन के, कन्या लगन के, मकर लगन के, कुंभ लगन के, ऐसे लोग जो होते हैं जो शनि प्रधान होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हमेशा जो है रात के समय में एक्टिव होते हैं, और जो सूर्य प्रधान होते हैं वो जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, तो वो लोग सूर्य प्रधान लोग होते हैं। अब शनि और सूर्य का टकराव जहाँ पर होगा, और ये टकराव होगा मकर राशि में, और हर राशियों पर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगी कि आज के दिन आपने कौन सा एक ऐसा उपाय करना है, कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे आपका ये जो ये दान है, जो आप ऐसा कौन सा दान करें जिससे आपको बहुत बहुत फल मिले। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप क्या करें कि देखिए सूर्य और शनि जो है वो क्या है, सूर्य क्या है अंधकार है, शनि जो है वो अंधकार है, सूर्य क्या है उजाला है। तो दिन के उजाले में शनि की वस्तुओं का हमने दान करना है, और जिनकी कुंडलियों में सूर्य शनि इकट्ठे होते हैं ऐसे लोग जो उनको थोड़ा ज़्यादा उनको इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि ये मकर संक्रांति पर जो ये योगा योग जो संयोग बन रहे हैं और ये इकट्ठे दोनों होंगे, तो जायज है कि देखिए दोनों बाप बेटे एक ही राशि में इकट्ठे होंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानियाँ आएंगी। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ पर दान करना है। शनि के दीप का दान आपको जो है ज़रूर करना है। शनि का दीप का दान मतलब शनि के डायरेक्शन यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में आपको जो है एक दिया जलाना है, मिट्टी का दिया हो, किसी भी प्रकार का दिया हो, आपने तेल जलाकर तेल कड़वा तेल उसमें आपने वो दिया जो है वो आज मकर संक्रांति वाले दिन जरूर जलाना है, पहला उपाय। दूसरा उपाय, आपने गुड़ और तिल शनि के कारक चीज़ें, गुड़ सूर्य की चीज़ें, दोनों का ही आपने दान करना है, तिल का भी दान करना है और उसका भी दान करना है, ये दो दान आपने जो है वो ज़रूर करने हैं। तीसरा महा उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए खिचड़ी जो है खिचड़ी आपने जरूर बनानी है, वो काली उड़द वाली खिचड़ी हो, चावल हो, वो आपको जो है आज के दिन में जरूर बनाने हैं, ये आपको बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खिचड़ी का दान जो है आपने ज़रूर करना है, खिचड़ी का दान जो है वो आप कर सकते हैं, खिचड़ी जो है बनी बनाई खिचड़ी आप किसी गरीब को खिला सकते हैं, और जो है आज के दिन आप जो है सूर्य को अर्घ जरूर देना मत भूलिएगा, सूर्य को अर्घ जो है गुड़ डालकर, थोड़े से लाल मिर्च के बीज डालकर, गुड़ डालकर, चंदन लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ जरूर देना है, क्योंकि सूर्य देव जो है यहाँ पर थोड़े से क्षीण हो जाएंगे, मकर राशि वाले जिनके भी जिनकी मकर राशि में सूर्य होते हैं ऐसे लोगों को हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी अक्सर मैंने देखा है आती है। और यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि कहीं पर भी किसी पवित्र गंगा में जमुना में जहाँ पर भी आपको मौका लगे वहाँ पर आपको जो है आज के दिन स्नान जरूर करना चाहिए। आज के दिन आपको जो है ना पतंग जरूर उड़ानी चाहिए आज के दिन। पतंग अगर आप उड़ाते हैं तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा, और जो है आज के दिन जो है आप ये सब कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत शुभ जो है वो रिजल्ट रहेगा। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि शुभ समय जो है वो क्या है, शुभ समय जो है आपका ये आप नोट कर लीजिए, पुण्य काल का जो समय है वो 8:03 से 12:30 तक आप दान वगैरह पुण्य काल के जो भी काम है आप कर सकते हैं। और अगर आप पूछे कि महापुण्य काल कौन सा है तो वो 8:03 से 8:27 सुबह तक रहेगा। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके किस किस
राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि की अगर हम बात करें तो मेष राशि के 10वें भाव में सारे जो ग्रहों की युतियां जो हैं वो होंगी। यहाँ पर चार चार पांच पांच ग्रह इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बुध भी हैं, सूर्य भी हैं, शुक्र भी आ जाएंगे और शुक्र का उदय भी इस टाइम पीरियड पे हो जाएगा। शुक्र उदय का यानी शादियों के सीजन भी अब आपके शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेष राशि के 10th हाउस में अपने व्यापार और अपने काम में आपको बड़ी चौकसता रखनी है। आपने अपने ऑफिस में भी माहौल को चेक करना है कि कोई आपकी बैक बाइटिंग, कोई आपकी टांग खींच ना रहा हो। वृषभ लगन के भाग्य में ये योग बनेगा। भाग्य में एक बार को तो ग्रहण लगेगा लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आपकी कम आउट होगा वो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। मिथुन राशि वाले, मिथुन लगन वाले थोड़ा सा चोट एक्सीडेंट का ध्यान रखें, और जो है मिथुन लगन वाले कहीं बाहर घूमने वाला के उनके प्रोग्राम जो है वो बन सकते हैं। और मिथुन लगन वाले जो है थोड़ा सा पैरों पे चोट ना लगे, मोच ना आए, टांग टूटने वगैरह के जो है बनेंगे उसके लगन वालों के, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, टांग का ध्यान रखें। कर्क लगन वालों के सप्तम भाव से बनेगा ये योग, तो आप अपने मियाँ बीबी के लड़ाई झगड़ों के बीच को उसको तूल ना दें, उस झगड़ों को बढ़ाए नहीं, थोड़ा सा काम होकर रहिए। और सिंह राशि वालों के 6th भाव से रहेगा ये ग्रहण, तो 6th भाव में आपके रोग ऋण शत्रु जो है जो आपको बहुत टाइम से दबे हुए थे थोड़े से एकदम से उठ जाएंगे, लेकिन जीत आपकी है जीत आपकी है सिंह लगन वालों की। अब हम बात कर लेते हैं कन्या लगन वालों की, तो आपको अपना विशेष रूप से कन्या लगन वालों को पेट का आपको बड़ा ध्यान रखना है, पेट आपका ख़राब हो सकता है, बच्चों का आपको बहुत ध्यान रखना है, पब्लिक डीलिंग आपकी यहाँ पर ख़राब हो सकती है। और अब बात कर लेते हैं तुला लगन वालों के लिए, तो तुला लगन वालों की अगर हम बात करें तो 4th भाव से आपका जो है ये ग्रहण होगा, घर का सुख जो है आपका कम हो सकता है, घर में आपको जो है थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, थोड़ा सा आपको घर से रिलेटेड समस्याएं आपको जो है वो आ सकती हैं, घर के अंदर शांति का माहौल जो है वो बनाए रखें। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए, तो वृश्चिक लगन वालों की अगर हम बात करें तो पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, अपना पराक्रम जो है वो उसको कंट्रोल में रखें, ऐसे ही जानबूझकर या ऐसे ही आप लोगों को जो है लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, इस टाइम पीरियड का आपको बहुत बहुत ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए, तो 2nd हाउस से धनु लगन वालों का जो है ये ग्रहण होगा, और धनु लगन वाले थोड़ा सा अपने ध्यान रखें, यहाँ पर आपको जो है धन से संबंधित कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट ना कर दे जिसमें आपको बाद में जो है पछताना पड़ जाए। और जो है एक और बात मैं बताना भूल गई तुला लगन वालों के लिए, तुला लगन वाले घर में चोरी का भी ध्यान रखें, और धनु लगन वाले भी घर के अंदर चोरी चकारी का भी ध्यान रखें, अपने नौकरों का विशेष ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए, तो हेल्थ रिलेटेड जो है आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, और वैसे आप अपने अंदर एनर्जी का तो महसूस करेंगे लेकिन उससे आप ओवरकम कर जाएंगे, हेल्थ आपकी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। चलिए बात कर लेते हैं अब हम कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ लगन वाले कोई थाना कोर्ट कचहरी का योग आपका अगर बनता है तो वो ध्यान रखें, और यहाँ पर जो है आपको विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखना है। मेरा बेटा जो है वो थक रहा है फ़ोन को पकड़े, और यहाँ पर हम बाहर आए हुए आज तो आउट ऑफ सिटी आए हुए हैं, तो गोवा में आई हुई हूँ मैं, और कैसे लग रहा है आपको पीछे का जो नज़ारा, और यहाँ पर रिजॉर्ट में हम लोग, तो बेचारा थक रहा है तो मुझे कह रहे हैं मम्मी जल्दी जल्दी कर लो, तो अभी 2 राशि बची हुई है। तो हाँ जी, तो हम जो है बात कर रहे हैं कुंभ लगन वालों के लिए, तो कुंभ लगन वाले जो है थोड़ा सा थाना कोर्ट कचहरी का जो है वो ध्यान रखिए अपना, और जो है मीन लगन वाले उनके 11वें भाव से अचानक कोई धन की प्राप्ति, अचानक कोई आपको कहीं ना कहीं से पैसों का योग, और अचानक कहीं ना कहीं से कोई लॉटरी वगैरह लगने के आपके योग जो है वो बनेंगे। तो ये है 12 राशियों का हाल, और जो है मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको जो मैंने ये 5-6 उपाय बताए हैं उसमें से 3 उपाय या 1 उपाय ज़रूर करें, और आज के दिन जो है आप लोग खुश रहें, अपने परिवार के साथ में रहें, अपना ध्यान रखें। सूर्य शनि इकट्ठे हो रहे हैं, और सूर्य शनि जब इकट्ठे होते हैं तो मंगल बद बन जाता है, और यहाँ पर नजरें लगना और ये सारी कंडीशंस जो है वो आती हैं, तो ध्यान रखिएगा अपना। और मकर संक्रांति की आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। मैं साक्षी ठाकुर अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, फिर आपसे मिलूंगी। राधे राधे।